हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने लिया ये दही, और ये दही मैंने घर पर ही जमाई है, क्योंकि घर पर जो दही जमाते हैं उससे जो कढ़ी बनती है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। वैसे तो आप बाज़ार से भी छाछ लेकर बना सकते हैं कढ़ी, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा। तो आप भी कोशिश करिएगा कि पहले आप घर पर दही जमाएं और फिर उसके बाद उससे कढ़ी बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले ये दही लिया और इस दही से मैं पहले इसकी मथकर इसको छाछ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें आगे के मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, दही से छाछ बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें आगे के मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें सबसे पहले डाला, ये ऐसे अपने हाथ से ही मैं नाप कर डाल देती हूँ ऐसे, ये 3 मुट्ठी बेसन। फिर हम इसमें डालेंगे ये 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच ये लाल मिर्च, और 1 छोटी चम्मच ये धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी हींग। और इसको डालकर अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने घोल बनाकर तैयार करके रख दिया है कढ़ी के लिए, और अब मैं साथ की साथ ही पकौड़ी के लिए बेसन घोल कर रख लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये बेसन लिया है, और अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जिनमें ये है, पहले नमक डाल दिया मैंने इसमें, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 पिंच इसमें हम खाने वाला सोडा डाल देंगे। और अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पकौड़ी के लिए हमारा बेसन का घोल तैयार हो चुका है, और घोल कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ज़्यादा नहीं कि पकौड़ी बनी ना पाए, और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इन्हें बेसन का घोल और ये जो पकौड़ियों के लिए हमने ये घोल तैयार किया है, हम इन दोनों को आधा घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि हमने जो भी मसाले इसमें मिक्स किए हैं वो अच्छे से हो जाएं और बेसन भी इसमें अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, अब आधा घंटा हो चुका है, और अब हम मैंने कढ़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से भुनने देंगे, जीरे को भी और मेथी दाना को भी। जब ये भुन जाए तो हम इसमें अब ये कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। और हम लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब लहसुन भी हमारा भुन चुका है, तो अब हम इसमें ये 2 सूखी लाल मिर्च है, और ये तो 1 प्याज है कटा हुआ, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं लहसुन प्याज को थोड़ा सा और भूनूंगी। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, बस हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज का, मोटी मोटी प्याज का कढ़ी में अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, अब
अब ये लहसुन प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, तो मैं अब जो हमने ये बेसन का अपना रोल बनाया था ये मैं इसमें धीरे से डाल दूँगी। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आप ये घोल कढ़ाई में डाल रहे हैं तो गैस बिल्कुल कम कर दें। अभी हम इसमें फ्रेंड्स पानी मिलाएंगे, क्योंकि बेसन पकने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए इसमें हम अच्छे से मैंने एक भगोना पानी और मिला दिया है। और अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई पे कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जो फर्स्ट उबाल आएगा उसके उस तक आने तक हमें, तो फ्रेंड्स अब हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे, और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स मैं नमक इसी समय ऐड करती हूँ, इसमें स्वाद अनुसार आपको नमक ऐड कर देना है जितना भी आपको ज़रूरत है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बता रही थी कि नमक आपको इसी समय इसमें ऐड करना है, क्योंकि अगर आप पहले ऐड करेंगे छौंकते के समय तो कढ़ी फटने का ज़्यादा डर रहता है, और वो फटी फटी सी कढ़ी अच्छी नहीं लगती। अगर आप इस समय पे ऐड करेंगे तो आपकी कढ़ी फटेगी नहीं। और अब आप इसको धीरे धीरे इस तरीके से चलाते रहें जब तक कि इसमें फर्स्ट बॉयल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको ऐसे ही 2-3 मिनट तक पकाएंगे, और फिर उसके बाद हम गैस को धीमा कर देंगे बिल्कुल, और उसके बाद हम इस कढ़ी को 1.5-2 घंटे तक पकाएंगे। क्या है फ्रेंड्स कि कढ़ी को आप जितना पकाओगे, जितनी देर वो कढ़ेगी उतना ही उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, और कढ़ी धीमी धीमी आंच पे जितना पकती है उतना ही वो और अच्छा टेस्ट देती है। तो फ्रेंड्स देखिए कढ़ी को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं, और ये अब कुछ इस तरीके की दिख रही है। ये पहले से काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसे और कढ़ाएंगे और इसको पकाएंगे कम से कम 1.5-2 घंटे, तब जाकर हमारी कढ़ी तैयार होगी। और फ्रेंड्स कढ़ी पकने के बाद मैं एक इस पे स्पेशल तड़का डालूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे कढ़ी का रंग रूप और टेस्ट तीनों ही बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कढ़ी यहाँ मैंने मंदी मंदी गैस पर पकने के लिए छोड़ दी है 1.5 घंटे के लिए, और इसको ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं पकते हुए। अभी हम इसे और 1.5 घंटे पकाएंगे, तब जाकर हमारी ये कढ़ी रेडी होगी। तो अब कढ़ी बिना पकौड़ों के तो अधूरी है, तो चलिए अब इसके लिए पकौड़ों के लिए तैयारी कर लेते हैं। तैयारी तो हमने पहले ही कर ली थी, अब हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए ये मैंने घोल पहले ही रेडी कर लिया था। इसमें मैंने फ्रेंड्स 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़े छोटे छोटे आलू और छोटी छोटी प्याज भी काट कर डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए अब पकौड़ियाँ बना लेते हैं। फ्रेंड्स मैं चम्मच से पकौड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा लेके चम्मच से हम डालते जाएंगे। और देखिए हमारी सारी पकौड़ियाँ ऐसे ही बन जाएंगी। तो
ये फ्रेंड्स पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं किया है मैंने आज। और सरसों के तेल को मैंने धुआँ आने तक तेज़ गर्म कर लिया था, फिर उसको हल्का सा ठंडा करके फिर अब मैं उसमें ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी में सरसों के तेल में बनी हुई पकौड़ियों से बड़ा टेस्ट आता है। आप चाहें तो जो रेगुलर हम पकौड़े खाते हैं गोभी के, आलू के, प्याज के, वो भी आप सरसों के तेल में बना कर देखिए, वो भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम गाढ़ा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि कढ़ी ठंडा होने के बाद खुद भी गाढ़ा हो जाती है, रखे रखे कढ़ी गाढ़ा हो जाएगी। तो हम इसको इसी स्टेज तक बस पकाएंगे। यह हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आइए अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये जीरा। और जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तो मैं इस गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूखी लाल मिर्च और ये लाल मिर्च पाउडर। बस अब इसको हमें ज़्यादा नहीं करना और हम इसको अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कढ़ी का कलर कितना अच्छा हो गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी समय इसमें थोड़ा सा करी पत्ता और राई भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास कढ़ी पत्ता घर में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब देखिए आपकी कढ़ी बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे चावल के साथ खाइए, या रोटी के साथ खाइए, या पूरी पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ ये कढ़ी लाजवाब लगेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें एक चीज़ डालना तो भूल ही गई थी, वो है हरा धनिया। तो अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों ही इन्हेंस हो जाएंगे। ये देखिए अब हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खाइए और इन्जॉय करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।